प्लान फ्रॉम नेचर एक्सप्लोर टूर। आज हम जा रहे हैं कुमराट वैली, जहाज बांडा और कटोरा लेक। तो हमारे पास हैं तकरीबन 60 प्लस मेंबर्स और अभी हम खड़े हैं वाड़ी में तैमरगरा के पास जो है, और आगे तकरीबन कल तक हमारे पास 50 किलोमीटर रिमेनिंग है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसा है आज का सफ़र हमारा। शुक्रिया। गाइज, अभी हम हैं तकरीबन कुमराट वैली जीप के छत पे बैठे हुए हैं और हम लोग अभी जाएंगे थल वैली। वहाँ पे सारा सामान बस में रख के हम लोग जाएंगे जहाज बांडा। जहाज बांडा टफ हाइक है, दिखाते हैं आज आपको कैसी हाइक है। तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह, आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। अभी हम खड़े हैं गाम शेर में। यहाँ से तकरीबन एक घंटा हाइक जो है टकी बांडा का है और वहाँ से आगे 3 घंटे हाइक जो है तकरीबन जहाज बांडा का है। और नॉर्मली गाड़ियाँ जो है टकी बांडा तक जाती हैं, लेकिन क्योंकि आजकल रश बहुत ज़्यादा है और ट्रैक स्लिपरी हुआ है तो मोस्टली जीप वाले ही कार करते हैं, तो हम यहाँ से हाइक करेंगे। अभी हम आपको ट्रैक दिखाते हैं कैसे चाहिए। तो अभी हम पहुंचे हैं तकरीबन टकी बांडा से 1 घंटा आगे और तकरीबन 2 घंटे अभी हमारा सफ़र रहता है। तो ट्रैक थोड़ा टफ है लेकिन हम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। चले चलते हैं आगे। बाय बाय। अभी यहाँ मैं जहाज बांडा, अभी तकरीबन 9:15 हो रहे हैं। अभी हम कटोरा लेक की हाइकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो ट्रैक है उसका, फिर इंशाल्लाह देखते हैं किस टाइम पहुँचते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह कटोरा लेक दिखाते हैं।
गुड मॉर्निंग गाइज, तो अभी हम खड़े हैं जहाज बांडे में। आज संडे है, हमारी वापसी है। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि पहले हम जाएंगे गांव शेर, वहां से फिर जीप में थल, और वहां से अपनी कोस्टर में बैठ के वापसी का सफर है। बहुत अच्छा ट्रिप था, हाइकिंग बहुत टफ थी, लेकिन जो है आप भी जरूर आए, लेकिन अपने साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर रखें, जूतों पे कंप्रोमाइज ना करें, और सामान लगेज कम से कम रखें। लगेज का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला होता है, और सेम मसला अभी हमारे साथ फेस आ रहा है। तो चलें आपको दिखाते हैं कि आगे क्या बनता है। ठीक, थैंक यू।